हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पौधों को नए गमले में लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम है बरसात का मौसम। तो यहाँ आप देखते हो भिंडी की क्यारी के बीच में अपराजिता की बेल अपने आप ग्रो हो गई है और इसे मैं नीचे ले जा रही हूँ गमले में लगाने के लिए। तो इस टाइम आप कोई भी प्लांट लगाते हो काफ़ी ईजिली ये लग जाता है। तो ये मेरी देखो जड़ें भी पूरी अच्छे तरह से निकल गई हैं और प्लांट भी काफ़ी बड़ा है, बेल काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इसे अब मैं गमले में शिफ्ट कर दूँ। तो बरसात के मौसम में तो हर प्रकार के प्लांट्स आप आसानी से लगा सकते हो। बरसात के मौसम में अगर कोई बड़ा प्लांट भी उसकी जड़ें फैल गई तो उसे भी आप शिफ्ट कर सकते हो। मिट्टी मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है। मुझे पता नहीं कौन सा प्लांट कब लगाना हो तो मैं पहले से ही गमले में बहुत सारे तैयार रखती हूँ मिट्टी भर के, और काफ़ी सारे प्लांटर मैं घर में भी तैयार कर लेती हूँ। अब अच्छे से हाथ से मैंने बीच में इसमें जगह बना ली है और उसके बाद हम अपनी बेल को इसमें लगाएंगे और उसको ऊपर से अच्छे से मिट्टी से हमें इसे कवर कर देना है। इसकी जड़ों में हवा नहीं जानी चाहिए, अच्छे से मिट्टी से हम इसे कवर कर देंगे। तो मैंने चारों तरफ से मिट्टी से इसको अच्छे से दबा दिया, मिट्टी को कवर कर दिया। अब हम इसमें दे देंगे पानी। तो बेल काफ़ी बड़ी है तो इसके सपोर्ट के लिए या तो हमें रस्सी बांधनी होगी या फिर इसके लिए मैं बांस की स्टिक इसमें लगा रही हूँ। तो नॉर्मल स्टिक अगर हम लगाएंगे तो वो डिकम्पोस्ट हो जाएगी, तो इसलिए बांस की स्टिक ज़्यादा अच्छी रहती है। तो बांस की स्टिक की अभी मैं ये लगा रही हूँ और एक छोटी थी तो मैंने दो बांस की स्टिकों को तार से जोड़ दिया है और एक स्टिक इसको बना लिया है और इसके बेल को हम इसका सहारा दे देंगे और इस पर चढ़ा देंगे। इसका सपोर्ट तैयार हो गया है और इसको मैंने अच्छे से चारों तरफ इसके लगा दिया है। तो अपराजिता की जो बेल होती है इसको आप बीज से घर में काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो और ये कई कलर में आती है, वाइट कलर में भी आती है, ब्लू कलर में भी आती है, एक लाइट ब्लू होती है। तो तीनों चारों को अगर हम मिक्स करके लगाते हैं तो फूल जब इसमें खिलते हैं तो बहुत अच्छे ये लगते हैं। और भी काफ़ी सारे प्लांट मैंने ये गमलों में लगाए हैं और ये सभी लग गए हैं। तो कुछ तो मैं नर्सरी से ले आई थी, कुछ मैंने कटिंग से तैयार किए थे और ये जो पुराने मटके में जो लगा रखे हैं रेन लिली के पौधे और मनी प्लांट ये मैंने अभी लगाए थे, ये भी मेरे काफ़ी अच्छे से लग चुके हैं। तो इस तरह से आप प्लांट बरसात के मौसम में लगाते हो तो बहुत सुंदर ये लगते हैं। ये रेन लिली जो है इनको तो पानी के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं, बहुत अच्छे से ये लगती है और फूल भी खिलते हैं। और ये बहुत सारी अपराजिता की जो बेलें हैं ये मैंने बीज डाल दिए थे गमले में, तो ये देखो कितने सारे प्लांट्स इसमें ग्रो हो गए हैं। तो बीजों से भी हम इसको काफ़ी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसमें छोटी छोटी फलियां आती है, बिल्कुल मटर जैसी दिखती, छोटी साइज़ की बिल्कुल पतली पतली सी आती है, तो उसके जो बीज हैं उनसे आप इनको ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ भी मैंने बांस की स्टिक का सपोर्ट दिया है और ये काफ़ी बड़ी हो गई है और नीचे मैंने कई कलर के मिक्स करके इसमें और भी बीज इसमें डाल दिए हैं। तो ये एक साथ जब फूल खिलेंगे तो बहुत सुंदर ये लगेंगे और इन फूलों को भी बहुत शुभ माना जाता है पूजा में अगर यूज में लेते हैं तो। और ये बीज से भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो बरसात के मौसम में बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। तो बीजों को हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी में दबाना नहीं है, हल्का सा ही मिट्टी में दबाना है, आधा इंच का गड्ढा बनाए और उसमें आप इन बीजों को डाल दें तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो बरसात के मौसम में तो आप काफ़ी सारे प्लांट लगा सकते हो। और अपराजिता की जो बेल है उसको तो काफ़ी शुभ भी माना जाता है, शुभ जो पौधे होते हैं उनमें भी इसकी गिनती होती है। इस तरह से आप इसको लगा सकते हो, बीज से भी लगा सकते हो और बेल को वैसे लाके भी लगा सकते हो, तो आसानी से लग जाती है। इधर ये तुलसी के पौधे में भी मेरी ये बेल लग गई है, ये जहाँ बीज आपके गिर जाते हैं ये नए प्लांट्स इसके आ जाते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी बेलें मेरे यहाँ लगी हुई हैं। तो कुछ लोगों का सवाल होता है कि मिट्टी किस तरह से तैयार करें। तो जब भी आप गमला तैयार करें तो उसको कम से कम महीने भर पहले तैयार करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं गमले ऐसे ही तैयार करती हूँ और मिट्टी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जब भी आप मिट्टी बनाए तो जो कंपोस्ट आप ले रहे हो तो पुराना होने चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना आपका बहुत अच्छा गला हुआ कंपोस्ट आप लें, उसके बाद मिट्टी लें। तो मिट्टी को भी छान लें, कंकड़ पत्थर उसमें बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और सूखी पत्तियां ज़रूर मिलाएं। सूखी पत्तियों से एक तो हमारी मिट्टी हल्की हो जाती है, मिट्टी और से उपजाऊ भी हो जाती है और जैसे गमले वगैरह में वजन भी कम पड़ता है। तो इस तरह से आप जैसे अगर बालकनी वगैरह में प्लांट्स लगाते हो तो सूखी पत्तियाँ मिट्टी को हल्का बनाती हैं, तो आप पत्तियाँ इसमें ज़रूर मिला लें और अपने गमले पहले से ही तैयार करके रखें। कम से कम 10-15 दिन पहले अगर आप गमले तैयार करके रख देते हो तो पत्तियाँ भी डिकम्पोस्ट हो जाती हैं उसमें। तो आप गमलों को पहले से तैयार करके रख लें और मिट्टी को मिला के पहले से ही आप गमलों में भर लें। तो बरसात से पहले ही मैंने काफ़ी सारे गमले इस तरह से तैयार करके रख लिए थे और मिट्टी मैंने पहले ही बना ली थी।
तो आप कट्टे वगैरह में या फिर जो आपके पास गमले अगर खाली पड़ रहे हैं तो उसमें इनमें को भर के मिट्टी को भर के तैयार रखें, और जब आपको प्लांट्स लगाने हो तो आप प्लांट्स लगा सकते हो। तो मिट्टी आप बरसात से पहले ही तैयार कर ले, तो बाद में तो सूखी मिट्टी मिलती भी नहीं है। इसके अलावा बरसात के मौसम में हमारे पौधों में कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं, तो जो नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उनको आप उबाल लें, उबालने के बाद उसे थोड़ा ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप आप मिला के और अपने प्लांट्स पे स्प्रे करते, इससे मक्खी मच्छर वगैरह भी नहीं आते हैं, कीड़े वगैरह भी नहीं आते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम प्लांट्स लगाते हैं तो बहुत अच्छे से हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, कीड़े वगैरह भी नहीं लगते, और मेरे जो गार्डन में कभी मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि मैं हमेशा इसकी सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ, अच्छे से साफ़ करती हूँ, एक एक गमले को हटा के मैं इसकी सफाई करती हूँ और स्प्रे भी मैं करती रहती हूँ। तो इस तरह से आप थोड़ा पौधों का ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।